स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 9 पे बात करते हैं कि व्हेन 2.7 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम रिएक्ट विद 3650 ग्राम ऑफ HCl मास ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्मड इज. अब स्टूडेंट ये भी स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन है, ये भी लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन है. देखें हम जब यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखते हैं तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है कि एल्युमिनियम के 2 मोल के लिए HCl के 6 मोल रिएक्शन करते हैं. ठीक है, यानी जब एल्युमिनियम का 1 मोल होगा तो इसके 3 मोल होंगे. 1 मोल एल्युमिनियम होता है 27 और 1 मोल HCl होता है 3 मोल HCl होते हैं, 1 मोल HCl होता है 36.5. और जब 3 मोल की बात करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 109.5 बनेगा. यानी इसके 27 ग्राम के लिए इसके 109.5 ग्राम रिक्वायर्ड होंगे. अब स्टूडेंट देखना, 2 मोल एल्युमिनियम से 3 मोल हाइड्रोजन बनती थी, 1 मोल एल्युमिनियम से कितनी मोल हाइड्रोजन बनेगी, 1.5 मोल हाइड्रोजन. ट्रिक को समझना, मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी. बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद मैंने क्या किया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद एमसीक्यू हमारा था कि 2.7 ग्राम एल्युमिनियम जब रिएक्ट करेगी 3650 ग्राम HCl के साथ तो हाइड्रोजन कितनी बनेगी. तो स्टूडेंट 27 ग्राम अगर एल्युमिनियम होगा, 2 मोल के लिए 6 मोल चाहिए, तो 1 मोल के लिए 3 मोल चाहिए. 1 मोल एल्युमिनियम का मास है 27, तो 3 मोल इसके लिए HCl चाहिए जिसका मोल मास है 109.5. अगर एल्युमिनियम के 2 मोल होंगे तो इसके 3 मोल बनेंगे, तो इसके अगर 1 मोल होंगे तो इसके 1.5 मोल बनेंगे. अब स्टूडेंट जरा गौर करना, 1.5 मोल हाइड्रोजन का मास होता है 3, कितना होता है जी 3, 3 मोल का 6 होता है. 27 ग्राम एल्युमिनियम से चूंकि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, इसके 3650 ग्राम है, बाकी मास बच जाएगा, तो इसके 27 ग्राम से हाइड्रोजन 3 ग्राम बनती है. अगर मैं डेसिमल शिफ्ट करूं तो 27.0 है, ये 3.0 है. इस डेसिमल को मैं यहां पे ले आऊं, 2.7 ग्राम अगर एल्युमिनियम हो तो हाइड्रोजन का बनेगा 0.3 ग्राम. अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऑप्शन पे जाएंगे जी, 1.15 ग्राम, 0.2 ग्राम, 0.3 ग्राम, 0.6 ग्राम. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 9 का बना, क्या बना स्टूडेंट, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन बना जी, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन बना. ये हमारा था एमसीक्यू नंबर 9. प्रैक्टिस टेस्ट 2 की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, प्रैक्टिस टेस्ट 1 की मैंने अपलोड की है और वो आप एंड टेस्ट की डिस्कशन के बाद जो एमसीक्यू आपको नहीं आते थे उस पर खुद अटेम्प्ट करें, फिर भी जो मसला रह जाए मुझे बताएं, आई विल सॉल्व फॉर यू पीपल. एमसीक्यू नंबर 10 कहता है 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ईच सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड, द फाइनल मिक्सचर कंटेन. ओके स्टूडेंट, फिर एक मरतबा बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है. सल्फर डाइऑक्साइड को मलाना है ऑक्सीजन के साथ, इससे बनेगा क्या बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड. इसको बैलेंस कर देना स्टूडेंट तो ये हमारे पास बैलेंस होगी. वो कहता है दोनों के 10 डेसीमीटर क्यूब लगाना, यानी ये भी 10 डेसीमीटर क्यूब है, ये भी 10 डेसीमीटर क्यूब है, इन दोनों को मिलाकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना है, तो फाइनल क्या बनेगा. बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है इसके 2 मोल से इसके 2 मोल बनते हैं, इसके 2 मोल के लिए इसके 1 मोल चाहिए हैं. जाहिर है स्टूडेंट मोल और वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर इसका 10 डेसीमीटर क्यूब चाहिए होगा तो इसका 5 चाहिए होगा, यानी इसके 10 के 10 यूज हो जाएंगे, इसके 2 के लिए 1 चाहिए तो 10 के लिए 5 डेसीमीटर क्यूब यहां पे ऑक्सीजन का यूज हो जाएगा. और 2 से 2 बनते थे, 10 से 10 बनेंगे, 10 डेसीमीटर क्यूब सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा, यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड सारी खत्म हो जाएगी, हमारे पास मिक्सचर में रह जाएगी 5 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन यूज होगी है, 5 रह गई है और 10 डेसीमीटर क्यूब सल्फर ट्राइऑक्साइड बनी है, यानी फाइनल मिक्सचर हमारे पास होगा ऑक्सीजन और सल्फर ट्राइऑक्साइड का जी. ऑक्सीजन ओनली, सल्फर ट्राइऑक्साइड ओनली, ऑक्सीजन एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. तो स्टूडेंट हमारा इसमें भी कौन सा ऑप्शन बना जी, सी ऑप्शन बना जी. एमसीक्यू नंबर 10 पे भी हमारा कौन सा ऑप्शन बना, सी ऑप्शन बना जी. एमसीक्यू नंबर 11 पे बात करता हूँ जी, एमसीक्यू नंबर 11 पे बात करता हूँ. एमसीक्यू नंबर 11 है व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 2.8 केजी ऑफ इथाइलीन. इथाइलीन के 2.8 केजी को कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए ऑक्सीजन का कितना मास चाहिए होगा. स्टूडेंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है जी.
CnH2n plus oxygen to form carbon dioxide and what? Students, की short trick ये है, balance की trick ये है कि alkene के लिए जितने carbon होंगे, alkene के लिए जितने carbon होंगे, oxygen लगेंगे, जितने carbon होंगे, उसको 3 से multiply करना है, 2 से divide कर देना है, इतने oxygen लगेंगे, यानी इस case में oxygen के 3 mole required होंगे. अब students, जरा गौर करना, क्या कहा आपको? कि ऑक्सीजन का कितना वेट रिक्वायर्ड होगा इथाइलीन का एक इथाइलीन की 2.8 केजी के कंप्लीट कंबस्शन के लिए जरा गौर करना स्टूडेंट इसका अगर एक मोल होगा तो ये कितने ग्राम होते हैं 28 ग्राम इसके एक मोल के लिए ऑक्सीजन के कितने मोल रिक्वायर्ड हैं कंप्लीट कंबस्शन के लिए इसके एक मोल में सॉरी इथीन CH4 होता है यहां पे 2 लगेगा इसके एक मोल के लिए कितना रिक्वायर्ड होता है एक मोल के लिए 3 मोल ऑक्सीजन का एक मोल का मास होता है 32 तो 3 का कितना हो जाएगा 96 इसके एक मोल के लिए 96 इसके एक ग्राम के लिए 28 ग्राम के लिए 96 ग्राम चाहिए ऑक्सीजन के ठीक है यानी हमारे पास 96 ग्राम चाहिए 28 ग्राम के लिए अगर स्टूडेंट मैं केजी में बात करूं तो 28 केजी के लिए ऑक्सीजन के कितने केजी चाहिए होंगे 96 केजी इसको भी केजी कर दिया इसको भी केजी कर दिया वो कहता 2.8 यानी 28 का ये डेसिमल यहां पे ले आऊं 2.8 केजी के लिए इस डेसिमल को यहां पे ले आऊंगा 9.6 केजी ऑक्सीजन के रिक्वायर्ड होंगे स्टूडेंट हमारे पास ऑप्शन है जी 2.8 केजी 9.6 केजी 96 केजी 5.6 केजी तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी दैट इज 9.6 केजी अब बहुत ही सिंपल बात है स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन था आपने पहले बैलेंस कर ली इक्वेशन फिर आपने देखा कि इसके एक मोल के लिए इसके 3 मोल चाहिए इसके एक मोल 28 ग्राम होता है इसके 3 मोल 96 ग्राम होते हैं अब देखें स्टूडेंट 28 ग्राम के लिए 96 ग्राम अगर मैं ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दूं तो 28 केजी के लिए 96 केजी अब उसने कहा 2.8 इस डेसिमल को मैं यहां पे ले आऊं इस डेसिमल को मैं यहां पे ले आऊंगा याद रखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जब भी एमसीक्यू आते हैं वो इस तरह वाले आते हैं कि किसी भी मोलर मास का 10 टाइम या उस डिवाइडेड बाय 10 या डिवाइडेड बाय 100 यानी डेसिमल शिफ्टिंग वाली टेक्निक मोस्ट ऑफ द टाइम हुआ करती है जी स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 12 पे जाते हैं जी 1 ग्राम मैग्नीशियम इज बर्नड इन अ क्लोज वेसल व्हिच कंटेन 0.5 ग्राम ऑक्सीजन व्हिच रिएक्टेंट इज द एक्सेस कौन सा रिएक्टेंट एक्सेस होगा स्टूडेंट मैंने आपको ट्रिक समझाई हुई है जी पहले हम लिखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कहती है मैग्नीशियम 2 mole of magnesium react with mole of oxygen to form magnesium oxide. ये हमारे पास balance chemical equation है. कहता 1 gram है magnesium का. तो trick क्या x मालूम करें magnesium के लिए. x क्या है? x है mole. mole तो नहीं दिया, mass दिया हुआ है. 1 divided by molar mass होता है 24 into coefficient 2. ये वाला. यानी mole divided by stoichiometric coefficient x की value निकालनी है. इसके लिए भी x निकालें. oxygen का दिया हुआ है 0.5 gram. 0.5 divided by 0.5 divided by stoichiometric coefficient 1 है और molar mass 32 है 32 अब स्टूडेंट जरा गौर करना ये आ जाएगा 1 divided by 48 तो ये आ जाएगा 0.5 divided by 32 अब स्टूडेंट या तो इसको भी 1 में कन्वर्ट कर दें 1 में कैसे कन्वर्ट करें ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करें नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करें 1 divided by 64 हो जाएगा या इसको 0.5 में कन्वर्ट कर दें वो क्या तरीका होता है वो ये होता है कि ऊपर भी आधा कर दें नीचे भी आधा कर दें अब देखें जिसमें x की वैल्यू कम आएगी वो स्टोइकोमेट्रिक लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा अब x की वैल्यू किस में कम आती है अगर नॉमिनेटर बराबर हो तो जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा उसकी x की वैल्यू कम आती है तो यहां पे 64 है 1 डिवाइड बाय 64 x की वैल्यू लेस है तो ये हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट उसने पूछा एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है तो मेरे पास मैग्नीशियम क्या हो गया मैग्नीशियम मेरे पास हो गया एक्सेस रिएक्टेंट अब देखिए कितनी शॉर्ट ट्रिक है यानी लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट अगर फाइंड करना हो तो x फाइंड करना है x होता है मोल गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट तमाम रिएक्टेंट का x फाइंड कर दें जिसका x कम आएगा वो हमारे पास क्या होगा जी वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट जिसका x ज्यादा आएगा वो हमारे पास होएगा एक्सेस रिएक्टेंट अब इस केस में हमारे पास x आया है कम ऑक्सीजन के लिए तो हमारे पास जो एक्सेस रिएक्टेंट है वो क्या है मैग्नीशियम है तो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट ए करेक्ट ऑप्शन इज ए दैट इज एमसीक्यू नंबर 12